स्मार्टफोन के दुनिया में आपने इन्फिनिक्स का नाम तो सुना ही होगा, पर स्मार्टफोन को छोड़कर भी इन्फिनिक्स ने अपने कंपनियों का जो नाम है दूसरी चीज़ों पर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से आपको तो कुछ IoT प्रोडक्ट्स देखने को मिलते ही होंगे, लेकिन अभी फाइनली इन्फिनिक्स अपना एक लैपटॉप भी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। अगर आप फ्लिपकार्ट में जाके देखो तो कंपनी की तरफ से जो लॉन्च डेट है ऑफिशियली सेट किया गया है 8 दिसंबर को। अगर आप सोच रहे हो कि यार ये लैपटॉप्स कैसे रहेंगे, क्या क्या खास फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा, कौन से प्रोसेसर में ये यूज़ होगा एंड कितने कितने वो फीचर्स है खास जो कि अदर्स लैपटॉप से इसको बहुत ही अच्छा बनाता है, और साथ में इंडियन कंफर्म प्राइस भी क्या होगा वो भी आपके दिमाग में तो चल ही रहा होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे, और कंपनी पहला लैपटॉप लॉन्च कर रहा है इंडिया में वो कैसे रहेंगे, सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजोलॉजी। चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो ऐसे बहुत ही सारे स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि इंडिया में ऑलरेडी अपना जो लैपटॉप्स है उनको लॉन्च करने के लिए सोच रहा है या फिर लॉन्च कर भी दिया है। उनमें से ही दोस्तों इन्फिनिक्स भी अपना एक लैपटॉप 8 दिसंबर को ही लॉन्च करने वाला है। आपने नाम तो सुन ही चुका होगा, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, इन्फिनिक्स इनबुक X1 एंड X1 प्रो। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो लैपटॉप्स आएंगे इन्फिनिक्स की तरफ से ये आपको इंटेल चिपसेट के ऊपर देखने को मिलेंगे। जी हां, यहां पे तीनों चिपसेट का इस्तेमाल किया गया इन लैपटॉप्स के ऊपर। वीडियो लास्ट तक आप खुद देखते रहो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से वो चिपसेट है जो कि इन लैपटॉप्स के अंदर यूज किए गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में सबसे पहले देखने को मिल जाता है। कंपनी ने यहाँ पे आपको जो कलर्स दिया है इन लैपटॉप्स के अंदर वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कलर्स के लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में, ग्रीन, रेड और ग्रे कलर के। अगर आप गौर से देखो यहाँ पे आपको एक मैटी टेक्सचर देखने को मिल जाएगा और एक स्मूथ मैटी टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो दोनों शेड के अंदर आपको ये जो लैपटॉप्स है देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों इन लैपटॉप के अंदर आपको कोई प्लास्टिक का बिल्ड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट वेट वाला मेटल बॉडी देखने को मिलेगा। कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया यहाँ पे प्लास्टिक को हटा के ये लोग डायरेक्ट मेटल पे जंप कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम फिनिश वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। सो इस लैपटॉप का जो वेट रहेगा एल्युमिनियम फिनिश और मेटल बॉडी के साथ बहुत ही हल्का रहेगा। कंपनी ने यहाँ पे इस लैपटॉप के थिकनेस और वेट को भी मेंशन किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको इसका जो थिकनेस देखने को मिलता है वो है 16.3 mm का थिकनेस, जो कि बहुत ही पतला माना जाता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे अगर बात की जाए वेट के बारे में तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.48 kg के देखने को मिलेंगे ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप्स है। तो सब कुछ मिला के वेट के बारे में बात की जाए या फिर थिकनेस के बारे में, इन्फिनिक्स ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि लाइट वेट लैपटॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे जंप करते हैं हम लोग इस लैपटॉप्स के डिस्प्लेस के अंदर। यहाँ पे बोथ मॉडल्स में ही आपको 14 inch का एक अल्ट्रा थिन बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है और इस वाले लैपटॉप को आप लोग 180 डिग्री तक फैला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे HP और Asus के भी बहुत ही सारे ऐसे लैपटॉप हमने पहले भी देखे होंगे जो कि 180 डिग्री तक फैलता है। इस वाले लैपटॉप को भी आप 180 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 100% sRGB देखने को मिल जाएगा कलर गैमोट के साथ। एंड यहाँ पे आपको 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडोर में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, आउटडोर में भी आपको विजिबल होता हुआ दिख जाएगा। तो डिस्प्लेस के बारे में बात की जाए तो इन लैपटॉप के डिस्प्लेस में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को इस बार मिलने वाला है। इनमें से ही इन्फिनिक्स का जो इनबुक X1 है ये पर्टिकुलर मॉडल आता है 2 चिपसेट के साथ। जी हाँ, इंटेल के 2 चिपसेट यहाँ पे यूज किए गए हैं। पहला जो चिपसेट है इंटेल कोर i3-1005G1 नाम से, एंड दूसरा जो चिपसेट है इंटेल कोर i5-1351 नाम से। ये दोनों ही 10th जनरेशन के चिपसेट है और यहाँ पे दोस्तों जो चिपसेट यूज किया गया है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे है। फिलहाल यहाँ पे राइजन के कोई प्रोसेसर यूज नहीं किए गए हैं, वही सोचने का है। इंटेल ने इस बार दोस्तों कोलैबोरेशन किया हमारे इन्फिनिक्स कंपनी के साथ। इसके अलावा इनबुक X1 में आपको पर्टिकुलर 8GB रैम देखने को मिलेगा, 256 या फिर 512GB NVMe SSD का सपोर्ट है, जो कि PCIe 3.0 के साथ आता है। सो स्टोरेज के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सुपर फास्ट स्टोरेज कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन पर्टिकुलर लैपटॉप्स के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रा थिन बेजल के अंदर ऊपर में आपको 720p का एक वेबकैम भी देखने को मिल जाएगा। एंड पोर्ट्स के बारे में बात करें, 2 माइक्रोफोन, 1 HD कार्ड रीडर, 1 HDMI पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, 2 USB-C पोर्ट, 3 USB टाइप ए पोर्ट और Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 का सपोर्ट आपको देखने को इस वाले लैपटॉप में मिल जाएगा।
और मैं प्राइस को लास्ट में बताता हूँ। चलिए अभी जो X1 Pro है इसके बारे में बात करते हैं। इनबुक X1 Pro जो है उसमें आपको सेम टाइप ऑफ फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा बॉडी के अंदर एंड सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो आपको इंटेल का 10th जनरेशन वाला कोर i7-1065G7 नाम का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि मोस्ट पावरफुल एंड बहुत ही अच्छा तगड़ा प्रोसेसर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 16GB के रैम के साथ 512GB का NVMe SSD भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड 16GB रैम मेरे ख्याल से एनफ है। एंड इस वाले प्रो वर्जन के अंदर आपको एक और फीचर देखने को मिलता है, जो कि है इंटेल का Iris UHD ग्राफिक्स, जो कि आपको X1 में देखने को नहीं मिलता। इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको ये जो ग्राफिक्स है देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये जो लैपटॉप है SSD के साथ कंबाइंड करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ऑप्टिमाइजेशन निकल के देगा आपके डेली टू डेली लाइफ टास्क के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि X1 में Wi-Fi 5 के साथ आता है एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्स आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं एंड बोथ ऑफ लैपटॉप्स के अंदर ही आपको यहाँ पे 55 वाट आवर का बैटरी देखने को मिल जाता है। ली पॉलीमर बैटरी आपको दिया गया है एंड 65 वाट का यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट वाला चार्जर देखने को मिल जाता है और बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर प्रोवाइड किया गया है। बोथ मॉडल्स में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको DTS सराउंड साउंड वाला स्पीकर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए मुझे ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स है वो बहुत ही अच्छे लगे एंड लॉन्च होने के बाद तो फिजिकली मैं इसको देख ही लूंगा एंड DTS जो सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी है वो भी दोस्तों आपको इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप्स के अंदर दिए गए हैं, जो कि आपको साउंड में कोई भी शिकायत नहीं करेगा, जो कि इस वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनमें यही शिकायत होता है कि भाई साहब यहाँ पे जो साउंड है लैपटॉप्स के वो कुछ अच्छे नहीं लगते, बट यहाँ पे आपको DTS सराउंड साउंडिंग का सपोर्ट दिया गया है। बोथ मॉडल में आपको बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलेगा एंड बोथ मॉडल से आते हैं हमारे विंडोज 11 के साथ। चलिए अभी इन दोनों ही लैपटॉप्स के प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जब लॉन्च होगा 8 तारीख को यहाँ पे इनका जो प्राइस रखा जाएगा ऑफिशियली, जो कोर i3 वाला मॉडल है, इनबुक X1 वाला जो मॉडल है वो आपको इंडियन मार्केट में करीब 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो कोर i5 वाला मॉडल है X1 सीरीज का, ये आपको करीब करीब 40,000 रुपया तक देखने को मिल जाएगा। जो प्रो वेरियंट है X1 Pro नाम से आता है वो आपको इंडियन मार्केट में कोर i7 के साथ लगभग 55,000 से 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर इन तीनों प्राइस सेगमेंट के अंदर ये जो लैपटॉप से लॉन्च होते हैं तो मेरे ख्याल से दूसरे कंपनियों को सोचने में लग जाएगा कि यार इन लैपटॉप को कैसे बीट किया जाए। ठीक है, सब कुछ मिला के मेरे ख्याल से ये जो पैकेज है इन्फिनिक्स दे रहा है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा एंड सुपर फास्ट यहाँ पे 65 वाट का चार्जर भी दिया गया है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये चीज एंड एक मोबाइल कंपनी ने इतना अच्छा काम किया कि क्या बताओ। अब लॉन्च होने दो, नहीं तो आप लोग सोचोगे मैं यहाँ पे स्पॉन्सर वीडियो बनाने बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो मैंने नहीं बनाया, बस यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना था जो कि मैंने आपको दे दिया। अब 8 तारीख तक इंतजार करते हैं वो जो लैपटॉप्स आएंगे कैसे देखने को रहेंगे, कैसा अनबॉक्सिंग होगा, कैसा क्या कुछ फीचर्स है, सारे चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिजिकली दिखा दूंगा। अब ऑन पेपर ये जो मैंने बताया आपको ये सारे चीज़ 100% कंफर्म हो चुके हैं। आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। वैसे ये जो वीडियो है आपको पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस चलिए आज का वीडियो करता हूं मैं यहां पे खत्म। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।